इंदौर में लसूरिया थाना क्षेत्र के अरिंदिया में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसका कारण अभी अज्ञात है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तलाश कर रही है। घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर गए थे और छात्रा के अलावा उसकी छोटी बहन घर में मौजूद थी। इसी बीच उसकी छोटी बहन चाय बनाने में व्यस्त हो गई और छात्रा ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। थोड़ी देर बाद जब उसकी बहन उसे कमरे में देखने गई तो देखा कि वो फांसी के फंदे पर लटकी थी। बाइट गणेश कुमावत व्यू। एक और जहां परिजन चुप्पी साधे हैं, वहीं छात्रा ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा है। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी भांजी लगती है और उसके परिवार मध्यम हस्ती के हैं, वो दुकान उकान करते हैं। एक बच्ची चाय बनाने थी, चाय बनाने के बाद ये बच्ची दूसरी बार आई, दूसरी बच्ची तो उसने दरवाजा नहीं खोला, तो ऊपर जाके उसने हम सब लोगों ने देखा कि दरवाज़ा चारों तरफ से बंद था, तो दरवाजा खोला तो फांसी पर लटकी मिली। कितने साल उम्र है, क्या नाम है? 13 साल का, रोशनी नाम है। कौन से क्लास में पढ़ रही थी ये? ये 8वीं पढ़ रही थी, 8वीं बात नहीं पा रहा। कुछ कारण आया सामने, कुछ परेशान? अभी कोई कारण नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान है। कोई रिजल्ट रिजल्ट या इस तरह से कुछ नहीं है सर? कुछ नहीं आया सर, फांसी कर दी है। अच्छा, कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ छोड़ा है कुछ उसमें? कुछ ऐसा सर, घर में कोई पारिवारिक विवाद है कुछ ऐसा? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी पिता फूलचंद कुमावत, उम्र 14 साल, निवासी ग्राम अरंडिया बाईपास इंदौर। मैम कुछ कारण सामने आया? कुछ परिजन? अभी तक तो कुछ नहीं आया। क्या सुसाइड कर लिया इसने घर में? हाँ, अभी तक तो सुसाइड का ही है, बाकी क्लियर स्थिति अभी नहीं बता सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।